to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 3 दिन ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रही। इतना ही नहीं, उनकी यात्रा में ना तो अखिलेश यादव और ना ही मायावती शामिल हुए। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि लोगों से मिल रही प्रतिक्रिया जो है वो उत्साहित करने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण लोनी बॉर्डर से कैराना तक की यात्रा में बड़े पैमाने पर शामिल हुए मुसलमानों की भीड़ है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पश्चिमी यूपी जिन जिलों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी उनमें मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा अच्छी है और मदरसों के बच्चे से लेकर बुर्का पहनी औरतों और उलेमा तक राहुल गांधी के साथ चलते या फिर इंतजार करते दिखे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद काशिम ने कहा कि राहुल बीजेपी आरएसएस पर लगातार हमले कर मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं बोल रही है, लेकिन राहुल गांधी जो है वो ऐसा खुलेआम करते नजर आ रहे हैं। राहुल की यात्रा में शामिल हुए मुसलमानों की भीड़ समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाली है। अखिलेश यादव की पार्टी यादवों के साथ साथ मुसलमानों को भी अपना मुख्य वोट बैंक मानकर चलती है और इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन कहते हैं कि हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने वाला है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की अहम भूमिका साबित होने वाली है। कांग्रेस ने बसपा और समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अपनी दबदबा खो चुकी है, वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। गांधी परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है और राहुल गांधी की मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद भी है। राहुल गांधी खुद 2019 का चुनाव हारने से पहले अमेठी का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद करते देखे। भारत जोड़ो यात्रा के यूपी चरण के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं से उनकी समस्या सहित कई अन्य मुद्दों पर मुलाकात की और दिल की बात भी कही। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया। इसके अलावा हाल ही में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कामना की थी कि भगवान राम की कृपा कांग्रेस नेता पर हमेशा बनी रहे और जिस तरीके से लगातार मुस्लिम के अलावा और भी तमाम लोगों का समर्थन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में मिला है उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस कदर पड़ता है और क्या सच में जिस तरीके का मुस्लिम लोगों का जुटाव जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें दिखने को मिला, उससे क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।